अजमेर NACOI संगठन की ओर से कोविड-19 महामारी के बीच आम जनता को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। हालांकि इस दौरान संगठन से जुड़े कई युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए और वितरित करते समय बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। NACOI के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के बाद तमाम जिला मुख्यालय पर मास्क और सैनिटाइजिंग वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 10 लाख मास्क और 10 लाख सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे, जिससे कि इस महामारी की रोकथाम की जा सके। इसके साथ ही वही छात्र रसोई भी अलग अलग स्थानों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना को लेकर भी शिविर लगाए जाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ उठा सके। रेलवे स्टेशन के सामने मास्क वितरण के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और NACOI पदाधिकारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। इसे लेकर भी सभी को इस महामारी के दौरान सोचने की आवश्यकता है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने जो फुटपाथ और रेलवे स्टेशन पे जो यात्री है उनको कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए और उनको निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए, जिससे आम लोग इस भयंकर महामारी में बच सके। NACOI राजस्थान ने पूरे प्रदेश में 10,000 मास्क और 10,000 सैनिटाइजर मुफ्त में आम लोगों को वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जो आने वाले दिनों में हासिल करेगी NACOI। आज हमने अजमेर रेलवे स्टेशन पे मुफ्त में आम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया है। दिनेश चौधरी, NACOI जिला उपाध्यक्ष अजमेर। आज अजमेर NACOI ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। NACOI की प्रदेश इकाई ने एक मुहिम चलाई है कि पूरे प्रदेश में कोरोना काल के अंदर 10 लाख मास्क और 10 लाख सैनिटाइजर वितरण का एक टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही छात्र रसोई की भी मुहिम चलाई गई है, जिसमें भूखे व्यक्तियों को खाना वितरित किया जाएगा हर जिले की हर इकाई के अंदर। और इसके साथ हमने मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना को जन जन तक पहुँचाने का कार्यक्रम भी साथ में रखा गया है। हनीश मारडिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर।